हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर 13 है बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो है फूरियर ट्रांसफॉर्म का। ये जो आपका बुक चल रहा है वो है मैथमेटिकल मेथड बीएससी थर्ड सेमेस्टर। इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले फाइंड फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में एक्स। इसका आपको क्या फाइंड करना है, साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है। क्या दिया है, e की पावर माइनस ए एक्स अपॉन में एक्स। आइए सबसे पहले इसको हम यहाँ पे नोट करते हैं कि आपको जो यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवेन है वो क्या है। एफ ऑफ एक्स आपको यहाँ पे गिवेन है e की पावर माइनस ए एक्स अपॉन में एक्स। ये आपको क्वेश्चन में यहाँ पे गिवेन है और इसके थ्रू आपको फाइंड करना है साइन ट्रांसफॉर्म। तो आइए हम सबसे पहले साइन ट्रांसफॉर्म का यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे। तो देखिए इसको हम पहले तो फार्मूला अप्लाई कर दें यहाँ पे कि आपका फार्मूला होता क्या है। ये फार्मूला होता है अंडर रूट 2 अपान में पाई इंटू में इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट। यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स होता है, तो जो आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है क्या है, ई की पावर माइनस एक्स अपान में एक्स। तो इसके प्लेस में हम क्या पुट करेंगे, ई की पावर माइनस ए एक्स पुट करेंगे और अपान में एक्स पुट करेंगे। इनटू में देखिए आपको साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो यहाँ पे साइन पी एक्स डी एक्स होता है। अभी यहीं पे आपसे कोसाइन कहता तो यहाँ पे क्या हो जाता, कॉस पी एक्स डी एक्स। और इसी को आप यहाँ पे इज इक्वल टू आई से कर लीजिए और यही को आप इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिट कर लीजिए। तो यहाँ तक का काम आसानी से हो जाएगा। ये तो मैंने सिर्फ फार्मूला ही लिखा है ना साइन ट्रांसफॉर्म का क्या होता है। अब यहाँ पे हम एक रूल अप्लाई करेंगे जो कि रूल मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बाय लेबनिट्ज रूल। आइए उस रूल को यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जब रूल अप्लाई किया तो यहाँ पे होता क्या है कि आपका जो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे डी आई अपॉन डी पी किया है, दैट मीन्स कि आपको पी के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो ये सब तो कॉन्स्टेंट है, ये बाहर ही रहेगा, ठीक है। अब p के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो साइन पी एक्स का होगा, ये भी तो आपका कांस्टेंट है क्योंकि इसमें p का तो कोई टर्म है नहीं। तो साइन पी एक्स का आप करोगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू p के साथ, तो कॉस पी एक्स आएगा और आप फिर से अप्लाई करोगे p इंटू एक्स पे, तो p का 1 हो जाएगा, x एज इट इज रहेगा। तो x अपान में x ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस पी एक्स और dx बचेगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले यहाँ पे मैं एक फार्मूला अप्लाई करूँगा। यदि आपके पास गिवन हो कि इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस ए एक्स हो इंटू में कॉस पी एक्स डी एक्स हो, तो इसका हम डायरेक्ट एक फार्मूला जानते हैं, वही फार्मूला हम यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो ये तो आपका डी आई अपॉन डी पी ही रहेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे रहेगा रूट टू अपॉन पाई इंटू में आपका हो जाएगा जो आपका ये 0 टू इनफाइनाइट होता है और e की पावर माइनस ए एक्स कॉस पी एक्स। इसको आप 1 टाइम से एक बार फिर से लिखिए क्योंकि ये तो सिर्फ आपने फार्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट कर दिया। तो अब इस स्टेप से आपका वर्किंग स्टार्ट होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसको आप लिख दीजिए रूट टू अपॉन पाई। तो ये आपका आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स कॉस पी एक्स डी एक्स और इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक का हो, 0 टू इनफाइनाइट के बीच का हो, तो इसका फार्मूला होता है e की पावर माइनस ए एक्स, इस वाला टर्म को ऊपर रखेंगे और ये आपका a है इसका स्क्वायर कर देंगे और प्लस लगाएंगे ये जो x के कोफिशियंट p है इसका स्क्वायर होगा। तो e की पावर माइनस एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और ब्रेकेट में ये आपका होगा माइनस का a इंटू कॉस पी एक्स, क्योंकि यहाँ पे माइनस का ए है तो माइनस का ए कॉस पी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे बी इंटू साइन पी एक्स होता है, तो बी दैट मीन्स कि पी है और इंटू साइन पी एक्स। और यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 टू इनफाइनाइट के बीच। तो यहाँ तक का काम हो गया। यहाँ पे आप इस फार्मूले को याद रखिए, यदि आपके पास e की पावर माइनस ए एक्स हो कॉस पी एक्स डी एस हो, इसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो 0 टू इनफाइनाइट के बीच,
तो आपका जो इसका रिजल्ट होगा वो आएगा e की पावर माइनस ए एक्स अपॉन में ई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ब्रेकेट में माइनस ए कॉस पी एक्स प्लस पी साइन पी एक्स। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट रखते हैं x यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, माइनस लगा के लोअर लिमिट के वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ x है वहाँ पे इनफाइनाइट पुट करिए सबसे पहले, फिर माइनस लगाइए, फिर आप जीरो पुट करिए। तो आपके पास जो आएगा मैं डायरेक्ट वो चीज़ यहाँ पे लिखने वाला हूँ, क्योंकि आप इसको वैल्यू को रखिए उसको सॉल्व कीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा रूट टू अपॉन पाई इंटू में आपके पास आएगा ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका आगे हम क्या सॉल्व करते हैं, ये आपका किसके इक्वल है, डी आई अपॉन डी पी इज इक्वल टू आपके पास आया है रूट टू अपॉन पाई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब हम डी पी को इस साइड भेज देंगे तो इम्प्लाइज दैट आपका जो डी आई है वो हो जाएगा रूट टू अपॉन में पाई इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और इंटू यहाँ पे आ जाएगा डी पी। ये आपका डी आई इज इक्वल टू हो गया है रूट टू अपॉन पाई इंटू में ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू में डी पी। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बी गेट, इसका हम इंटीग्रेटिंग कर देंगे तो देखिए आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेटिंग होगा डी आई का तो आई हो जाएगा, ये आपका कॉन्स्टेंट है बाहर ही रहेगा, ये जो आपका ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर है इसका आप करोगे तो आपको टेन इनवर्स पी अपॉन ए मिलेगा और प्लस का एक सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर यहाँ पे टू लेट कर लीजिए। इसके पहले मैंने आपको बताया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो आपके पास दो इक्वेशंस हो गई हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। जब आप इक्वेशन नंबर वन में पी बराबर जीरो पुट करेंगे तो आपको जो आई का वैल्यू मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने आगे क्या किया है कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन में जब आप p बराबर जीरो पुट करेंगे तो आपको i बराबर जीरो मिलेगा। तो अप्लाइंग दिस कंडीशन टू इक्वेशन नंबर टू वी हैव, तो इक्वेशन नंबर टू देखिए i के प्लेस पे आप जीरो पुट करेंगे तो जीरो आएगा इज इक्वल टू, जब आपने p लिया तो ये भी तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और प्लस का c बचेगा तो आपका जो c का वैल्यू आया वो कितना आया, जीरो आया। अब यही c का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर टू में जब आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगा i बराबर रूट टू अपॉन पाई इंटू टेन इनवर्स पी अपॉन ए प्लस सी था तो सी के प्लेस पे जीरो, तो यही वाला टर्म रहेगा। तो यही आपका हो जाएगा साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ जो आपको फंक्शन गिवन था उसका जो आपको वैल्यू आएगा वो आएगा रूट टू अपॉन पाई इंटू टेन इनवर्स पी अपॉन ए, तो ये आपका आंसर है फाइनली। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, आई होप आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। Thanks for watching this video. Have a great day.